किसानों ने समझ लिया, किसान की अगली पीढ़ी ने समझ लिया, वे अपनी लाभ हानि को जानते पहचानते, वे गवाह नहीं। चौधरी चरण सिंह जी देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, वो आज भी झोपड़ी में पैदा होने वाला, गांव के स्कूल में पढ़ने वाला हर बच्चा देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, वो वजीर बन सकता है, वो विद्वान है, वो जानता है। सरकार के काम काज कैसे होने चाहिए और कैसे नहीं होने चाहिए, क्या हिसाब किताब है, आज वो समझ लिया। मोबाइल फोन के माध्यम से नौजवानों को पूरी जानकारी, हमको यहाँ की सरकार से अच्छा है। बाबा बुधवार बाबा को मत देते हैं, वो सर पे जो है हर झूल की डोगी लगा के मेरे पास जो है मानते हैं मैं उसको मत उन्होंने वो तपस्वी है उन्होंने और भरपूर प्रयास किया आने के लिए पूरा सहयोग किया आंदोलन को। ये वादे हमारे परिवार के संदेश नहीं दी गई, किसान की है, अन्नदाता की है, जो सरकार के लोग सरकार के संसदीय कब्जा के मायदान के थे, आपके खेती के कब्जा के कानून पे सरकार ने कल स्वीकारा। एक साल से मोदी जी की जिद थी जो गलत थी और जो किसान बैठे थे वो सही थे। जो 700 से ज़्यादा किसान मारे गए उनके परिवार के लोग सम्मान चाहते हैं, वे जवाब मांगते हैं। लखीमपुर की घटना के जिम्मेदार मंत्री अभी मंत्री क्यों बने बैठे हैं, इसका जवाब भी उन्हें देना चाहिए। और जो MSP की बड़ी मांग थी उस पर सरकार क्या करना चाहती है ये भी किसानों के बीच उनको जाके बताना चाहिए। किसान विश्वास नहीं कर रहे मोदी जी की बात का, तो आप क्या मानते हैं? ये तो किसान फैसला लेंगे, मैंने यहाँ से घोषित किया जो भी किसान फैसला लेंगे हम लोग उनके साथ हैं। अगर सरकार में आते हैं आप लोग फिर क्या किसानों के लिए खास रहेगा? हमने एक तो प्रधानमंत्री सम्मान योजना में 6,000 मिलते हैं UP के किसानों को, देश भर के किसानों को। उत्तर प्रदेश की सरकार इसको सप्लीमेंट करेगी और 23 दिसंबर चौधरी चरण सिंह जी के जयंती के अवसर पर वो 6,000 को बढ़ाकर 12,000 और 15,000 रुपए जो सीमांत किसान हैं जो असिंचित जमीन पे खेती कर रहे हैं उनको हम प्रत्येक वर्ष देंगे। सर गठबंधन कैसा रहेगा? समाजवादी पार्टी के साथ क्या कहेंगे? कानून है, कानून का राज पूरे देश में है, संविधान है, लेकिन कानून की कोई व्यवस्था नहीं। सर चौथावल सीट को लेकर गहमागहमी चल रही है, हरिंदर मलिक समाजवादी पार्टी से गठबंधन में क्या है? देखिए अब जो समाजवादी पार्टी में है तो उनकी बात मैं नहीं कह सकता, वो तो फैसला उनकी पार्टी के लोग करेंगे, मैं अपनी बात कह सकता हूँ। और जब गठबंधन होगा आप निश्चित तौर पे मान लीजिए सम्मान के साथ होगा, दोनों पार्टी के कार्यकर्ता साथ मिलके काम करेंगे। चौधरी साहब गठबंधन की गठबंधन कब तक होगा? बहुत जल्दी हो जाएगा। कौन कौन रहेंगे साथ में? के बारे में कौन कौन रहेंगे साथ में? सब चीज समय पे खोलेंगे। सर बुढ़ाना सीट बड़ी हॉट सीट है,